कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2023-2024 में वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते जाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो सामाजिक विज्ञान का यह जो मॉडल पेपर है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके प्रश्न आएंगे वार्षिक परीक्षा में, किस तरीके के प्रश्न होंगे और कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे, कैसे क्या आपको करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो जहां तक मैं आपको बता दूं, यहां आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का निर्धारित है, पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा 70 अंकों का, और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है, यानी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको मिलेगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। अगला है निर्देश, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल आपको 20 नंबर यहां से मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से, और जब आप इनका आंसर सही करोगे OMR सीट पर इनका जो है आपको वर्णन करना है। कहने का तात्पर्य है ये जो 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा, आप यदि कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जल्द से जल्द। और अगला है यहां पर खंड बा 50 अंकों का है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, का जो है मानचित्र संबंधी विश्व का मानचित्र, और खा मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है भारत का मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, और ध्यान रहे दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, यानी जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर अच्छे से मजबूती से बांध दीजिएगा। और अगला है यहां पर निर्देश, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, खंड आ जो कि इस प्रकार से यहां बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कितने मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और पहला यहां पर प्रश्न दिया गया है, और ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न कह रहा है, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था, तो यहां पर विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं, पहला है लिवरे, दूसरा है टाइथ, तीसरा है टाइल और चौथा है आयकर। तो प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टाइल। प्रत्यक्ष कर को टाइल के नाम से जाना जाता था, और मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट में आपको ऑप्शन फिल करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने किया था, पहला है विकल्प निकोलस द्वितीय ने, दूसरा है लेनिन ने, तीसरा है अलेक्जेंडर केरेंस्की या चौथा है ट्रस्की। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, लेनिन ने किया था, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या कि पहाड़ी मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दिए गए विकल्पों में से, पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन है भाबर, दूसरा है बुग्याल, तीसरा है तराई और चौथा है पठार।
पठार, तो पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है विकल्प के अनुसार, और ये देख लीजिए, पहला है विकल्प 25, दूसरा है 28, तीसरा है 30 और चौथा है 31। तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, अब उस अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा और उसी के अनुसार यहाँ पर विकल्प भी दिए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? यहाँ पर पहला है विकल्प तिब्बत में, दूसरा है बांग्लादेश में, तीसरा है नेपाल में, चौथा है भूटान में। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से कहाँ पुकारा जाता है या जमुना कहाँ कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, यानी जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहा जाता है या पुकारा जाता है? बांग्लादेश में पुकारा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इससे जो भी संबंधित अन्य प्रश्न भी होंगे, यानी इन प्रश्नों से, उन्हें भी मैं कवर करा दूंगा, इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो के द्वारा आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। और इसी तरह से मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने हिंदी विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है, आप वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? पहला है विकल्प यहां पर जून के प्रारंभ में, दूसरा विकल्प है अगस्त में, और तीसरा विकल्प है सितंबर में या अक्टूबर के प्रारंभ में। चौथा विकल्प क्या है? अक्टूबर के प्रारंभ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में। पहला ही विकल्प क्या है? सही है, जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उदय हुआ उसे नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से भी जाना जाता था? जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में सामाजिक समूह का उदय हुआ उसे दिए गए विकल्पों में से किस नाम से भी जाना जाता था? पहला है ऑप्शन, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प उच्च वर्ग, दूसरा है विकल्प भीम नगर, तीसरा है विकल्प मध्यम वर्ग और चौथा है विकल्प दास वर्ग। तो 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ या उदय हुआ उसे मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता था, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रूस में OGPU और NKVD थे, क्या थे? यहां पर पहला है ऑप्शन ट्रेड यूनियन, दूसरा है गुप्तचर, तीसरा है खुफिया पुलिस और चौथा है अपराधी। तो रूस में OGPU और NKVD ये क्या थे? खुफिया पुलिस थे। कौन? खुफिया पुलिस थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है ऑप्शन लाकादीव, दूसरा है मिनिकाय, तीसरा है एमीन दीव, चौथा है इन सबको। तो 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? राइट आंसर हो जाएगा इन सबका नाम क्या हो गया, यानी चारों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, यानी चौथा वाला विकल्प सही है, इन सबका नाम क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। इसका नाम लाकादीव का, मिनिकाय का और एमीन दीव का नाम क्या हो गया 1973 के बाद? लक्षद्वीप हो गया। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? विकल्प पहला है रॉयल बंगाल टाइगर का, दूसरा है एक
सींग वाला गैंडा जो होता है उसका घर है, या तिब्बती जंगली गधी का घर है, या एशियाई शेर का घर है। तो सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? यहाँ पर राइट आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, यानी यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं, किस देश में? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में? तो राइट आंसर क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं स्विट्जरलैंड में जो है क्या है, मौजूद हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? पहला है विकल्प डेमोक्रेट, दूसरा है डेमोक्रेटी, तीसरा विकल्प है डेमोक्रेसिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से निकला है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डेमोक्रेसिया। यहां पर क्या होगा आंसर? डेमोक्रेसिया यूनानी शब्द से निकला है क्या? लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है शब्द बंधुत्व, दूसरा है विकल्प समानता, तीसरा है विकल्प समृद्धि, और चौथा है आजादी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि, यानी तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पहला है ऑप्शन यहां पर राष्ट्रपति, दूसरा है वरिष्ठ सेवानिवृत्त जज, तीसरा है उपराष्ट्रपति, और चौथा है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चार विकल्प दिए गए हैं, शिवराज पाटिल, मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और ओम बिरला। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? पहला है विकल्प 2 वर्षों में एक बार, दूसरा है 5 वर्षों में एक बार, तीसरा विकल्प है बुआई के मौसम से पहले, और चौथा विकल्प है बुआई के मौसम के बाद। तो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? बुआई के मौसम से पहले, तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, जानू पीएफ क्या है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है, दूसरा है यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है, तीसरा है विकल्प यह पाकिस्तान का एक राजनैतिक दल है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जानू पीएफ क्या है? यह जिम्बाब्वे का एक राजनैतिक दल है, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? पहला है विकल्प राज्यसभा, दूसरा है विकल्प लोकसभा, तीसरा है का एवं खा दोनों, और चौथा है प्रधानमंत्री। तो वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है, कितना मासिक वेतन मिलता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? पहला है विकल्प 1,33,000, दूसरा है विकल्प 1,50,000 रुपए, तीसरा है विकल्प 1,80,000 रुपए प्रतिमाह, या चौथा विकल्प है 2,80,000 रुपये प्रतिमाह। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका मासिक यानी एक माह में वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह उनको मिलता है। और अगला प्रश्न है, वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो पहला है विकल्प यहाँ पर ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार, दूसरा है विकल्प नगरी
गरीब अनियत मजदूर परिवार, तीसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा कि वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसके बाद खंड बा जो होगा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा, जिनका आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, और जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है, आप जो है इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। पहला है फ्रांस में जून 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी के बीच कालखंड को आतंक का राज क्यों कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। चाहे तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। तो प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या परिणाम हुआ, 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में भी प्रश्न है कि भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए, तो आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए, 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं। अथवा यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न 2 यानी सेकंड वाले जो आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, और प्रश्न इस प्रकार से होंगे, जैसा कि यहां पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो। 5वें नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। और अथवा में प्रश्न, मैं आपको बता दूं प्रत्येक प्रश्न है 6 अंक का, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर करोगे, यानी यहां पर 5वें का अथवा है, यदि आप 5वें का उत्तर करते हैं या अथवा वाले प्रश्न का उत्तर करते हैं 6 नंबर आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा में प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना होगा। अथवा में प्रश्न है रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। अथवा भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 होगा मानचित्र कार्य से संबंधित, जिसमें 9 का यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहां पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। नौका के अंतर्गत वह स्थान जहाँ इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, वह स्थान जहाँ हिटलर का शासन था, वह स्थान जहाँ की नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहाँ ईस्ट की इंडिया कंपनी थी, और वह स्थान जहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी है, विश्व का मानचित्र होगा, उसी में आपको ये सब चीज़ें दर्शानी होंगी। इसके बाद यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों तो मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में प्रश्न आएंगे, आपको इन प्रश्नों को नहीं करना है। फिर नौखा वाला प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा,
भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको भारत का भी मानचित्र मिलेगा और आपको यहाँ पर 5 प्रश्नों का भी आंसर करना होगा, यानी मानचित्र में दर्शाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए, वह स्थान जहाँ से भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है, वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है, वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है, वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और वह स्थान जहाँ कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ पर भी आए हैं। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के रूप में, विकल्प के रूप में, तो ये आपको नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया और इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है, 20 प्रश्नों का आंसर भी बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।